हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप टॉपिक समझ ही गए होंगे कि रिकलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं आज हमने। फ्रेंड्स, 8 या 10 क्वेश्चंस हम डेली कर रहे हैं ताकि हमारा जब तक जेईई का एग्ज़ाम आएगा ताकि हमारे क्वेश्चंस सारे रेडी होंगे और हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटी किसे बोलते हैं? जो हम लोन देते हैं उसको क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी आज मेनली क्लासिफाइड इंटू फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड होती हैं आपकी जिसमें कि आप पैसा दे देते हैं कैश। नॉन फंड बेस्ड ऐसी हो जाती हैं जिनमें कि आप कैश तो नहीं देते हैं लेकिन एक गारंटी देते हैं, जैसे कि बैंक गारंटी और LC नॉन फंड बेस्ड वाले का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फंड बेस्ड फैसिलिटीज अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड क्या क्या चीज़ होती है फंड बेस्ड वाले में? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, जैसे कि आप स्टॉक्स के अगेंस्ट में जो CC लिमिटें देते हैं ना ये व्यापारियों को वो। नेक्स्ट है टर्म लोन्स। टर्म लोन्स किस पे देते हो आप? FD वगैरह पे। थर्ड है बिल फाइनेंस, किसी का इनवॉइस वगैरह है और उसको ले लेते हैं और आप पैसा देते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या कहता है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड बैंक गारंटी और LC, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। शॉर्ट अब हम नेक्स्ट देखेंगे। टर्म लोन्स बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ रीपेमेंट आर क्लासिफाइड इनटू। टर्म लोन्स जो होते हैं वो रीपेमेंट के हिसाब से जो है 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड पे होता है, कितने कितने टाइम पीरियड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज अ फंड बेस्ड फैसिलिटी। ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो सेम ही इस तरह के रिपीट कर दिया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा, एग्जाम में कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा ही घूम घाम के आता है। जैसे ये क्वेश्चन था तो थोड़े साल बाद में ये क्वेश्चन आने लग गया है ना। 4 ऑप्शन दिए होते थे, उसमें से आदमी कंफ्यूजन करने के लिए कुछ लिख देता था। बिल्को एक्सेप्टेंस फैसिलिटी इज अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंकर इज एंटाइटल टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन टेम्पररी ओवरड्राफ्ट अंडर बैंकिंग कस्टम। ये तो बैंकिंग का रूल्स है ना, चार्ज इंटरेस्ट करे मतलब किसी सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट करेगा तभी वो लोन देगा, ऐसे नहीं तो फिर रिकवरी नहीं होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट इन टर्म लोन्स इज डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए किसी ने कोई टर्म लोन लिया है, FD अगेंस्ट लोन ही लिया है, तो वो अगर उसमें कोई भी किस्त नहीं आ रही है 3 साल तक, तो वो तब तक आप उस 3 साल तक अगर डिफॉल्ट कर रहा है 3 साल के बाद आप तक आपको जो है उससे लिमिटेशन पीरियड है, तब तक आप सूट फाइल करके उससे रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीरियड ऑफ रिपेमेंट इन द केस ऑफ मीडियम टर्म लोन इज। मीडियम टर्म लोन कितना है? 5 से 7 साल है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े से क्वेश्चन थे, 9 10 क्वेश्चन डेली हम इनको कर रहे हैं तो हमारा JIB की प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। होप फ्रेंड्स आप ट्राई करें कि और लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। बाय।